नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो है ट्रस्ट्स के बारे में। नहीं, ये भरोसे वाला ट्रस्ट नहीं है, ये दूसरा है, एक नया टॉपिक। और इसकी परिभाषा और इसका कानून बताने से पहले आपको एक बार ये आसान भाषा में समझा देती हूँ कि ट्रस्ट आखिर होते क्या है। देखिए, मान लीजिए एक है मिस्टर ए और उनके पास काफ़ी संपत्ति है और कई पोते पोतियां हैं, और वो अपनी कुछ संपत्ति अपने 5 दोस्तों को देना चाहते हैं जिससे कि फ़ायदा उनके पोते पोतियों को बाद में हो जाए। ये मान लीजिए कि अपने 5 दोस्तों को अपनी संपत्ति देते हुए वो 5 दोस्तों का एक ट्रस्ट बना देते हैं और उसका जितना बेनिफिट या फ़ायदा होता है वो उनके पोते पोतियों का होता है। लेकिन मिस्टर ए ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों पे भरोसा है। बस यही पूरा सार है एक ट्रस्ट का। आसान भाषा में बताया जाए तो एक ट्रस्ट में एक संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है उसके मालिक के द्वारा किसी और व्यक्ति को, जिस पर मालिक को भरोसा होता है, और ये ट्रांसफर किसी तीसरे व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाता है। और जिस संपत्ति का ट्रांसफर हो रहा है, जरूरी नहीं कि वो रियल एस्टेट यानी सचल संपत्ति हो, वो कैश या कहीं के शेयर या कोई और कीमती चीज भी हो सकती है। इसके अलावा जिस अवकरण यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से पूरा ट्रस्ट बनाया जाता है, उस ट्रस्ट के साधन को यानी इंस्ट्रूमेंट को ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट या फिर ट्रस्ट डीड कहा जाता है। इसकी परिभाषा आपको इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में मिलेगी। यहाँ पर जब व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, हम उसको सेटलर कहेंगे, जिसे संपत्ति मिल रही है उसको हम ट्रस्टी कहेंगे, और जिसका फायदा हो रहा है उसको हम बेनिफिशियरी कहेंगे। अब भारत में 2 तरह के ट्रस्ट ज़्यादातर प्रचलित हैं, प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत प्राइवेट ट्रस्ट की बात करी गई है, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट को आगे चलकर चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट में बांट दिया जाता है। तो पब्लिक ट्रस्ट को लागू करने के लिए जो कानून हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, द रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट 1863, द चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1890 और द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। आजकल के दिनों में ट्रस्ट को निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल फंड। और ये जो ट्रस्ट है ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के नियंत्रण में आते हैं। अब कौन कौन एक ट्रस्ट बना सकता है? हर वो इंसान जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, एक ट्रस्ट भी बना सकता है। एक नाबालिग व्यक्ति खुद या किसी और के द्वारा, किसी गार्जियन के द्वारा भी एक ट्रस्ट बना सकता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की अनुमति यानी परमिशन लेने के बाद। इसके बाद एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों के संगठन के द्वारा, एक महिला के द्वारा और एक कंपनी के द्वारा भी एक ट्रस्ट बनाया जा सकता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ समाज के कुलीन यानी हाई सोसाइटी वाले लोग जो हैं वही एक ट्रस्ट बना सकते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। एक ट्रस्ट आम लोगों द्वारा भी बनाया जा सकता है। अब ये कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। किसी कानूनी फर्म या बैंक की सहायता से एक ट्रस्ट बनाया जा सकता है, जिसके लिए ट्रस्ट दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। और इसमें यह बताना जरूरी है कि आखिर किस तरह का, किस टाइप का ट्रस्ट बनाया जाना चाहते हैं। इस दस्तावेज में सेटलर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का नाम होना चाहिए, और उस ट्रस्ट के पास जो जो संपत्ति रहेगी या दी गई है वो स्पष्ट करी जानी चाहिए। ट्रस्ट को एक अलग इकाई या एंटिटी मानकर उसके लिए एक बैंक खाता खोला जाएगा और एक परमानेंट अकाउंट नंबर की मांग करनी होगी। इसके बाद आप चाहें तो इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसका पंजीकरण करा सकते हैं, और इसकी जरूरत तब ज्यादा होगी, तब ये मैंडेटरी हो जाएगा जब एक इमूवेबल यानी अचल संपत्ति ट्रस्ट को दी गई होगी। इंडियन ट्रस्ट एक्ट की धारा 10 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति का मालिक बन सकता है, एक ट्रस्टी भी बन सकता है। एक बार हम प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, एक गैर वसीयतनामा यानी नॉन टेस्टामेंटरी साधन यानी इंस्ट्रूमेंट द्वारा घोषित किया जाने वाले ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य यानी मैंडेटरी होता है। भले ही ट्रस्ट की घोषणा करने वाले साधनों को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन से छूट मिली हो, फिर भी ऐसी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। अगर एक प्राइवेट ट्रस्ट निजी वसीयत यानी विल के द्वारा घोषित किया गया है या बनाया गया है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, तब भी नहीं अगर इमूवेबल संपत्ति द्वारा उसे बनाया गया है। जब एक धार्मिक या चैरिटेबल ट्रस्ट की घोषणा एक इमूवेबल संपत्ति के द्वारा करी जाती है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 11 के अंतर्गत छूट या एग्जेम्पशन का दावा करने के लिए ट्रस्ट के साधन का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक यानी मैंडेटरी फिर से एक बार हो जाता है। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि एक पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट आखिर होते क्या हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट के बीच में क्या फर्क होते हैं वो भी जानते हैं। देखिए, कहने को तो इनके बीच में कई सारे डिफरेंसेस, कई सारे फर्क हो सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा फर्क इस बात से पता चलता है कि इनका फायदा किसे हो रहा है, इनका बेनिफिशियरी आखिर है कौन। अगर एक ट्रस्ट का फायदा यानी उसका बेनिफिशियरी एक बहुत बड़ी जनता है तो वो एक पब्लिक ट्रस्ट होगा, और अगर एक ही श्रेणी के लोग या एक निर्धारित वर्ग, एक अकेला व्यक्ति या एक दो लोग ही इसका फायदा उठा रहे हैं, बेनिफिशियरी
बेनिफिशियरी हैं तो ये एक प्राइवेट ट्रस्ट होगा। एक चैरिटेबल धार्मिक पढ़ाई लिखाई से जुड़े या वैज्ञानिक चीज़ों से जुड़े हुए जो ट्रस्ट होंगे वो भी पब्लिक ट्रस्ट ही होंगे। ट्रस्ट बनाने का तरीका वही रहेगा जो हमने आपको अभी बताया और इसे स्टेट ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया जाएगा और एक सरकारी टैक्स एग्जम्पशन के लिए योग्य हो जाए, ये खास तौर पर इनकम टैक्स के लिए इस रजिस्ट्रेशन के बाद। धार्मिक एंडाउमेंट्स यानी धार्मिक देन और वक्फ भी एक तरह के पब्लिक ट्रस्ट हैं जो कि तब बनते हैं जब किसी संपत्ति को धार्मिक कार्य के लिए दिया जाता है और हर धर्म के ऐसे धार्मिक ट्रस्ट को उसके निजी कानूनों के मुताबिक देखा जाता है। एक बार ट्रस्ट बन जाता है तो संपत्ति उसको मिल जाती है लेकिन उसके बाद उस संपत्ति को वापस नहीं लिया जा सकता, ट्रस्ट को रद्द नहीं कराया जा सकता। पब्लिक ट्रस्ट के उल्लंघन के मामले में या तो एक एडवोकेट जनरल या दो से ज्यादा उस ट्रस्ट में रुचि रखने वाले लोगों के द्वारा मामला दर्ज कराया जा सकता है। ये मामला ट्रस्टी को हटाने के लिए, नए ट्रस्टी को रखने के लिए, ट्रस्टी को संपत्ति देने के लिए, किसी हटाए गए ट्रस्टी से संपत्ति वापस लेके किसी नए ट्रस्टी को देने के लिए या अकाउंट से जुड़ी जाँच के लिए किया जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है, एक पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट के क्या फायदे होते हैं, इनको कैसे रजिस्टर कराना है और इनके उल्लंघन में क्या कदम उठाने हैं और कैसे एक ट्रस्ट को बनाया जाता है। अब आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और आपकी जो भी राय है या जो भी सवाल है हमें कॉमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।